अनिल चौहान जो लेफ्टिनेंट दूसरे जनरल सीडी रिटायर्ड हैं अनिल चौहान बिपिन रावत की जगह जी, ये आए बिपिन हैं। रावत की जगह आए हैं और इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने ईस्टर्न कमांड में भी रहे हैं और शायद अच्छा ये मकबूजा कश्मीर के इलाकों में भी इन्होंने सर्व किया है और एक कैरियर ऑफिसर है, काफ़ी अरसे इनकी 40 साल मेरे ख्याल से सर्विस है और एक कॉम्पिटेंट सोल्जर हैं, मतलब बहुत सारे हेड्स होंगे असल में इन सही पे, बहुत सारे एक ही वक्त में इनके पास ओहदे होंगे और जिम्मेदारी है। पावरफुल होंगे। तो चाइना से जो मिलता हमारा बॉर्डर है वो जो ईस्टर्न कमांड है उस पे इनका अच्छा खासा होल्ड है, वहां इन्होंने बहुत साल काम किया। अगर इन पांचों चीजों को मिला के देखा जाए तो एक बहुत ही उपयुक्त एंड एज अ वेरी तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, भारत के नए CDS होंगे अनिल चौहान। आपको पता होगा ये CDS की पोस्ट अभी हाल फिलहाल में ही भारतीय आर्मी में ऐड करी गई है और ये बेसिकली क्या है, ये जो तीनों फोर्सेज हैं भारत की, नेवी, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों की जो भी मतलब प्रॉब्लम होगी उसको एक ही जगह पर, जैसे पेंटागन होता है ना, उसको एक ही जगह पर आकर उनके जो भी कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए ये बनाया गया था। और जनरल बिपिन रावत, जो स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत आप जानते हैं, वो इसके पहले CDS थे। वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। आप देखेंगे पाकिस्तान मीडिया के डॉक्टर शाहिद मसूद और डिफरेंट डिफरेंट लोग इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये वीडियो। अब मेरा एक आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं सर, अगर इंडिया को कोई एक्शन लेना है पाकिस्तान के खिलाफ तो इंडिया ये देखेगा कि इसका डिप्लोमेटिक फॉलोआउट क्या है, इसका इकोनॉमिक फॉलोआउट क्या है, इसका मिलिट्री फॉलोआउट क्या है। और जिस दिन उसको ये लग गया, मैं आपको बताता हूं जो इंडिया में मूड है, जिस दिन लग गया और जिस दिन कोई बड़ा अटैक हुआ इंडिया में, टेरर अटैक, इंडिया विल डू इट, इंडिया कर देगा इसके। वो हिंदी में कहते हैं ना गोटियां फिट नहीं हो रही, आप पता नहीं आप समझ पा रहे कि नहीं, वो मैं गोटियां फिट समझ नहीं हो सकता रही। हूँ, हाँ ना, समझ जिस दिन गोटियां फिट हो गई इंडिया कर देगा, मैं आपको बताता हूँ। पूरा मूड में बैठे लोग, गोटियां फिट नहीं हो रही इनके, अंदर वेटिंग कि गोटियां फिट, कैसे गोटियां फिट हो। अनिल चौहान जो लेफ्टिनेंट दूसरे जनरल सीडी रिटायर्ड हैं अनिल चौहान बिपिन रावत की जगह जी, ये आए बिपिन हैं। रावत की जगह आए हैं और इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने ईस्टर्न कमांड में भी रहे हैं और शायद अच्छा ये मकबूजा कश्मीर के इलाकों में भी इन्होंने सर्व किया है और एक कैरियर ऑफिसर है, काफ़ी अरसे इनकी 40 साल मेरे ख्याल से सर्विस है और एक कॉम्पिटेंट सोल्जर हैं। इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई रिफॉर्म्स की, और रिफॉर्म्स की जिम्मेदारी जब आ गई है तो इकट्ठा भी करना है, फिर ये गवर्नमेंट का होता भी है, सेक्रेटरी भी होंगे गवर्नमेंट के मिलिट्री उस पर, मतलब बहुत सारे हेड्स होंगे असल में इन पे, सही बहुत सारे एक ही वक्त में इनके पास ओहदे होंगे जिम्मेदारी और है। ठीक पावरफुल होंगे। तो अब देखें क्या होता है। है अच्छा, लेकिन और चाइना के साथ भी देखना है, फिर वो मतलब है कि क्वाड को भी देखना है, मतलब एक लंबा चौड़ा एक आप समझ रहे हैं कि एक जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई है, क्योंकि मतलब देखे ना, उधर पैसिफिक भी है तो उधर क्वाड भी है, एलएससी भी है इतिहाद भी सर, है उधर, LAC के, मतलब बहुत कुछ इन्होंने देखना है, तो वो एक बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। ये दूसरे CDS हैं, अनिल चौहान ये ठीक है दूसरे सर। CDS हैं, जैसे वहां दूसरे, ये दूसरे हैं ना, पहले तो बिपिन रावत 2020 में तो पोस्ट क्रिएट हुई थी। इंडिया ने डिक्लेयर किए अपने नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल बिपिन रावत की डेथ के बाद से ये पोस्ट खाली पड़ी थी, और अब जो बने हैं हमारे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, माने जाते हैं चाइना एक्सपर्ट। क्यों लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को ही, यानी कि एक चाइना एक्सपर्ट को ही हमारे CDS बनाया गया? बहुत क्लियर है कि थिएटर कमांड की हमें जरूरत है, करगिल वॉर में बताया गया था थिएटर कमांड की जरूरत है, साथ में चाइना हमारा नंबर वन एनिमी, ये कई लोग बोल चुके हैं। क्योंकि अभी हमारे पास एक बहुत बड़ा जो मसला है और यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी विज़िबली थ्रेट इज आल्सो इंडो पैसिफिक, जहां क्वाड वॉर्ड हमने बनाया पहली बार, ये J&K में पोस्टेड रहे, एंटी इंसर्जेंसी इन्होंने बहुत साल तक मैनेज की है, लेफ्ट मतलब लेफ्टिनेंट लेवल के रहे तो उसमें तो खैर कुछ मतलब क्या बोले, हम तो मतलब डिप्टी चीफ के आसपास ही होते हैं। उसके बाद इन्होंने ये NSA के ऑफिस में भी रहे हैं, ही हैज बीन पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी कोर टीम, तो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे क्या थ्रेट और थ्रेट परसेप्शन कहाँ से, विच इंक्लूड्स इंटरनल थ्रेट्स एंड विच ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सटर्नल थ्रेट्स। तो J&K जोड़िए, मैरिटाइम जोड़िए, NSA जोड़िए, आर्मी जोड़िए, इंसर्जेंसी जोड़िए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने ईस्टर्न साइड में, जो ईस्टर्न कमांड हम उसे कहते हैं, ही हैज बीन डिप्लॉयड ऑन ईस्टर्न कमांड फॉर अ लॉट ऑफ टाइम एंड ही हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द ईस्टर्न कमांड। तो चाइना से जो मिलता हमारा बॉर्डर है वो जो ईस्टर्न कमांड है उस पर इनका अच्छा खासा होल्ड है, वहां इन्होंने बहुत साल काम किया। अगर इन पांचों चीजों को मिला के देखा जाए तो एक बहुत ही उपयुक्त एंड एज अ वेरी गुड चॉइस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन, बिकॉज ही हैज नेवी बैकग्राउंड, ही हैज एंटी इंसर्जेंसी बैकग्राउंड, ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ द NSA NSS टीम, ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कमांड,
एंड ही हैज बीन अ लेफ्टिनेंट जनरल विच इज आर्मी वाला बैकग्राउंड तो है ही है. तो इन चारों चीजों का कॉम्बिनेशन अगर हम देखे जाए इनको ये हमें एक बहुत उपयुक्त व्यक्ति मिल गए हैं. प्रायोरिटी क्या देश की, प्रायोरिटी रोहित जी है थिएटर कमांड्स. जैसे चाइना में दो थिएटर कमांड, सेंट्रल एशियन थिएटर कमांड है, ईस्टर्न थिएटर कमांड है, वेस्टर्न कमांड है. अभी हमारे थिएटर कमांड्स नहीं है. थिएटर कमांड्स का मतलब होता है जब हमारे तीनों अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज करके कमांड बनाते हैं और उसका एक उपयुक्त यूज होता है फॉर द बेटर एडवांटेजेस विज़ेवी द यू नो रिजर्वॉर. और अगर हम देखिए रिसेंटली जिस कंट्री के पास थिएटर कमांड्स है दे हैव अ बेटर एडवांटेज, इट इज एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज. इट इज नहीं तो क्या होता कई बार इंटरकनेक्टिविटी कोऑर्डिनेशन में कई बार चीजें इधर उधर थोड़ा बहुत हिल जाती है. बट जब ये थिएटर कमांड्स बनते हैं एक ये हमारा मुद्दा. दूसरा हमारा मुद्दा क्या है रोहित भाई, दूसरा हमारा मुद्दा है हमें अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करना है, नेवी को, फोर्सेस को. आर्मी का मतलब है तीनों फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना. अब पहले क्या होता था कि ये एयरफोर्स वालों का बजट, ये आर्मी का बजट, ये नेवी का बजट. अब मान लीजिए एज अ मैं आपको एक जगह टोकना चाहूंगा, थिएटर कमांड क्या होता है हमारे अगर बताने चाहे थिएटर कमांड क्या होता है फिर उसके बाद हम मॉडर्नाइज करेंगे. जी थिएटर कमांड ये होता है कि हम इन तीनों चीजों को यूज करके एक कंबाइंड कमांड बनाते हैं. अभी क्या हो रहा है, अभी आर्मी अलग है, नेवी अलग है, एयरफोर्स अलग है, ठीक है. तो दे आर हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर कि वी रिक्वेस्ट एयर सपोर्ट. जैसे हमने पिक्चर देखी कि वी रिक्वेस्ट एयर सपोर्ट इन बालाकोट, भाई हमें ये चाहिए, हमें जैसे लोंगे वॉल में इंडियन एयरफोर्स आया पर सुबह आया, राइट. तो दे आर रिक्वेस्टेड एंड दे कम इन एंड गिव सपोर्ट. जब एक थिएटर कमांड बनती है उसमें क्या होता है ये सारी चीजें एज अ पार्ट ऑफ दैट थिएटर कमांड यू डिसाइड व्हाट टू यूज, व्हेन टू यूज एंड हाउ टू यूज. या हैंड ओवर टेक आउट परिस्थिति नहीं होती. दूसरी चीज क्या होती है जब आप देश भर में अपने रिसोर्स डिप्लॉय करते हो. अभी क्या, अभी नेवी वालों का अपना बजट है, एयरफोर्स वालों का अपना बजट है, आर्मी का अपना बजट है. अब जब हम कंबाइंड डिफेंस बजट देखेंगे अगर हमें लगे यार हमें अभी अभी हमें हमारा जो इंडो पैसिफिक कमांड है हमें अपनी सी को स्ट्रेंथन करना है तो वी विल पुट मोर मनी ऑन द यू नो नेवल रिसोर्स. तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म. आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है और डॉक्टर शाहिद मसूद एक बहुत ज़्यादा भारत को लेकर, बहुत ही ज़्यादा भारत को लेकर मतलब वीडियोस और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कमेंट करने को लेकर. तो मैंने आपको बताया ये CDS की पोस्ट अभी कुछ ही साल पहले भारतीय आर्मी में आई है और पहले CDS भारत के थे जनरल बिपिन रावत. जनरल बिपिन रावत आपको पता है इस पोस्ट के लिए वही बंदा अप्लाई कर सकता है जो रिटायर हो चुका है, उसके बाद इस पोस्ट में आता है वो. तो जनरल बिपिन रावत आपको पता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस भारत में पर्सनालिटी हुए, जनरल थे, बहुत ही ज़्यादा फेमस थे. मतलब आप ये माने कि उनकी जब उनका एक उनके साथ एक हादसा हुआ था तो सारा देश रो रहा था. आपको पता है कि एक सोल्जर जो 30-40 साल ड्यूटी देता है, रिटायर होता है, उसके बाद CDS के लिए वो CDS बने और फिर जा रहे थे वो एक मतलब एक यूनिवर्सिटी में शायद लेक्चर देने के लिए, उनके साथ बहुत सारे लोग थे, हेलीकॉप्टर उनका क्रैश हो गया और उसके बाद पता है आपको डेफिनेटली आपके इमोशन भी जाग गए होंगे क्योंकि ऑब्वियसली 30-40 साल वो नौकरी कर रहे हैं और इतना वो मतलब फेमस थे, बहुत ज़्यादा मीडिया में भी थे, मतलब आते रहते थे तो लोगों के कनेक्शन बन जाते हैं. भले ही हमारे उनसे ऐसे कोई डीप कनेक्शन ना, उनके बारे में पता चला कि एक छोटे से गांव से आकर वो इतना ऊपर तक जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप उनके लिए इमोशनल हुए होंगे. और हादसा भी बहुत दर्दनाक था और आपने देखा होगा उसका वीडियो भी पड़े थे, उस टाइम पे देखा नहीं जा रहा था जिस तरीके से. बुजुर्ग थे वो और उनके साथ कई यंग पायलट भी थे, एक एक शायद यंग पायलट बचे थे लेकिन वो भी कुछ दिनों बाद उनकी भी डेथ हो गई थी. तो आपको याद होगा वो हादसा. अब जो नए CDS आए हैं वो भी आप देख सकते हैं कि कितने वो मतलब कितने साल उन्होंने सर्व किया, सारी जगह उन्होंने सर्व किया, इसके बाद उनको CDS के लिए वो योग्य माने गए हैं. अब पाकिस्तान इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है, हालांकि पाकिस्तान में इस तरीके की कोई पोस्ट है नहीं, ये भारत में ये सिस्टम चालू हुआ. दोनों दोनों जो पाकिस्तान भारत की आर्मी है दोनों ब्रिटिश आर्मी का ही पार्ट रही है, फिर उसके बाद इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी बनी है. तो ये एक नई चीज़ है और हालांकि ये अच्छी चीज़ है, भारत ने ये इंस्पायर्ड शायद मेरे हिसाब से ये US से हुए हैं, US पेंटागन से हुए हैं और डेफिनेटली जो भी प्रॉब्लम होंगी इससे शायद कुछ हमें मदद मिली. तो दोस्तों आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कॉमेंट में अपनी